तो चलिए अभी तक हमने इस टॉपिक में जो भी चीजें सीख ली हैं उसे एक बार समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये बताया है कि जो वाटर पोटेंशियल होता है वो एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होता है वाटर मूवमेंट को समझने के लिए। बात करें अगर सॉल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल की, तो ये दो मेन कॉम्पोनेंट्स होते हैं वाटर पोटेंशियल को डिटर्मिन करने के लिए। अगला यहाँ पर ये बताया हुआ है कि जब हम प्योर वाटर के अंदर सॉल्यूट्स को डिसॉल्व करते हैं तो वहाँ पर जो भी सॉल्यूशन फॉर्म होता है उसके अंदर वाटर के फ्री मॉलिक्यूल्स कम हो जाते हैं, यानी वहाँ पर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली वहाँ पर वाटर पोटेंशियल भी कम हो जाता है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर ये बताया है कि प्लांट सिस्टम्स के अंदर भी प्रेशर बिल्डअप होता है, यानी जब सेल्स के अंदर डिफ्यूजन प्रोसेस से पानी एंटर करता है तो वहाँ पर सेल वॉल के अगेंस्ट प्रेशर क्रिएट होने लगता है। इन तीनों के बीच के रिलेशनशिप को यहाँ पर दिखाया गया है, यानी वाटर पोटेंशियल जो होता है वो सॉल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल का सम होता है। ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर पानी डिफ्यूज करता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। लास्ट यहाँ पर ये बताया हुआ है कि जो नेट डायरेक्शन होती है और साथ ही जो रेट ऑफ ऑस्मोसिस होता है, ये दोनों ही चीज़ें डिपेंड करती हैं प्रेशर ग्रेडियंट पे और साथ ही कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पर। यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज करेंगे, तब तक सभी बच्चे इन पॉइंट्स को अपनी नोटबुक में नोट कर लें। अगला यहाँ पर ये बताया हुआ है कि प्लांट्स के अंदर जो भी वाटर का मूवमेंट होता है वो उसके सराउंडिंग सॉल्यूशन पर डिपेंड करता है। फिर यहाँ ये बताया है प्लाज्मोलाइसिस के अंदर पानी जो है सेल के बाहर जाने लगता है, जिसकी वजह से प्लांट सेल श्रिंक कर जाता है और जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो भी सेल वॉल से अवे चली जाती है और सिकुड़ कर बीच में आ जाती है। यहाँ ये बताया हुआ है कि अगर एक्सटर्नल सॉल्यूशन अंदर के साइटोप्लाज्म का जो भी ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको बैलेंस कर देता है तो उसे हम कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और यदि ये एक्सटर्नल सॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट होता है साइटोप्लाज्म के मुकाबले तो उसे हम कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। एक्सटर्नल सॉल्यूशन अगर बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है तो उसे हम हाइपरटॉनिक कहते हैं, और सेल्स जो हैं हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन के अंदर स्वेल हो जाते हैं यानी फूल जाते हैं, और अगर वो हाइपरटॉनिक के अंदर रखे जाएं तो वो श्रिंक हो जाते हैं यानी सिकुड़ जाते हैं। इम्बाइबिशन की भी हमने बात की थी कि जो इम्बाइबिशन है वो एक स्पेशल टाइप का प्रोसेस होता है जो कि एक डिफ्यूजन का ही प्रोसेस है, जहाँ पर पानी को सॉलिड यानी कोलॉइड्स जो होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनका साइज या फिर उनकी जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाती है। यहाँ पर भी वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर देते हैं, तब तक इन पॉइंट्स को भी सभी बच्चे अपनी नोटबुक में नोट कर लें। यहाँ पर बच्चों आपके सामने रेफरेंस क्वेश्चंस दिए हुए हैं, एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस हैं और साथ ही कुछ वर्कबुक के भी क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये इसी टॉपिक पर बेस्ड हैं।